भारत माता की जय। भारत माता की जय। हाउ द जोस, हाउ द जोस, हाउ द जोस। सर्वोदय विद्यालय शिक्षक आज रोहिणी के इस सभागार में बैठे हुए ईस्ट डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट बी के एसएलसी के चेयरमैन मेरे साथी मेरे भाई एडवोकेट धर्मवीर जी, इस स्कूल के प्रधानाचार्य उप प्रधानाचार्य मेरे साथ आए हुए तीन मेरे बड़े भाई संजीव जी, अमन जी, सतीश गुप्ता जी, इस स्कूल के अध्यापक और प्यारे प्यारे बच्चों, इतने बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम देखने के बाद मंच पर किसी को सुनना बड़ा मुश्किल होता है। देशभक्ति से ओत प्रोत अपनी सभ्यता को अपनी संस्कृति को दिखाते हुए कार्यक्रम झांकियां गाने गीत और उनके बाद खड़े होकर किसी को सुनना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं देख के हैरान हूं कि हाउ द जोश के बाद हाउ द पिन ड्रॉप साइलेंस इज देयर। तो इसके लिए स्कूल के अध्यापकों ने कैसा मानस अपने विद्यालय के विद्यार्थियों का किया है वो देखने को मिलता है। दो राष्ट्रीय त्योहार हम मनाते हैं। त्योहार तो भारत में हर महीने हर दिन मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय त्योहार मनाए जाते हैं दो। दोनों का टेम्परामेंट क्या है, दोनों के पीछे का भाव क्या है, ये हम सब सुनते हैं। लेकिन दोनों का भावार्थ क्या है और दोनों का लाभार्थ क्या है, इसके बारे में 5 मिनट में आपके बीच में बात करता हूं। दोनों में डिफरेंस कैसे नजर आता है? तो जब 15 अगस्त की बात करते हैं तो 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ, हमने खुली हवा में सांस लेना प्रारंभ किया, तो हम याद करते हैं कि जिन्होंने उस आजादी को दिलाने में हमारा आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया, सहयोग दिया, समर्पण किया, उन सभी देशभक्तों की याद में हम उस 15 अगस्त के दिन को मनाते हैं। मतलब वो त्याग का दिन है, वो समर्पण का दिन है, वो शहीदी का दिन है, लेकिन 26 जनवरी के बारे में ऐसा नहीं है। धर्मवीर जी बैठे हैं, कानून विशेषज्ञ हैं, तो 26 जनवरी का दिन हम इसलिए याद रखते हैं कि भारत में कौन प्रकार की शासन प्रणाली रहेगी, उसके रूल रेगुलेशंस कैसे रहेंगे, बायलॉज क्या रहेंगी, एक सिटीजन का क्या राइट रहेगा, क्या ड्यूटीज रहेंगी। तो इसके बारे में जो ग्रंथ है उसका अडॉप्शन आज के दिन हुआ। मतलब हमने अपने देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकार किया, उसको माना और ये कहा कि आज के बाद भारत का शासन, भारत के लोग, भारत की सारी व्यवस्थाएं इस संविधान के अनुरूप चलेंगी। इसमें कर्तव्य भी है, इसमें अधिकार भी है, इसमें भारत के बारे में बताया भी गया है। लेकिन जो मैं कहने वाला हूं कि भावार्थ क्या है उसको समझने की जरूरत है। जब हम संविधान की प्रस्तावना को ध्यान में करते हैं, प्रीएम्बल को ध्यान में करते हैं, तो हम उसको पढ़ते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब कोई एक व्यक्ति नहीं है, एक समाज नहीं है, एक जाति नहीं है, एक वर्ग नहीं है। तो भारत में रहने वाला जितना भी प्रकार का समाज है, जातियां हैं,
व्यवस्थाएं हैं उन सबको मिला के भारत बनता है। और भारत बनता कैसा है? सोवरेन। आज हम निर्माण की क्या करते हैं? एक संप्रभु। भारत का निर्माण करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? बाद के जो पांच चार शब्द और बचते हैं वो रिपब्लिक हो सकता है, वो डेमोक्रेटिक हो सकता है, सोशलिस्ट हो सकता है, सेकुलर हो सकता है, उनके भाव बाद में समझेंगे, कभी और दिन समझेंगे। लेकिन जो सोवरेनिटी है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सुप्रीमेसी, इसका मतलब सुप्रीम, सर्वोच्च। और यहां इस बात को कहने का मतलब क्या है? इस बात को कहने का मतलब है कि आई एम द बेस्ट। भारत के नागरिकों में, भारत के जन जन में यह भाव होना चाहिए कि आई एम द बेस्ट। तो जब आई एम द बेस्ट का भाव जगेगा तो भारत बेस्ट बनेगा। यह संविधान के निर्माताओं के दिमाग में जो पहला शब्द सॉवरेनिटी डाला, सर्वप्रभुत्व संपन्न शब्द डाला, तो उसके पीछे का भाव था कि भारत हर प्रकार से संपन्न है, हर प्रकार से सक्षम है अपने सारी व्यवस्थाओं को ठीक प्रकार से सुचारू रूप से लागू करने में। उसको किसी के इंटरफेयर की, किसी को हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत बड़े बड़े विषय है। स्कूल के विद्यार्थी को क्या समझना, इस देश के नागरिक को क्या समझना, तो वह एक गाना हम सब लोगों ने सुना होगा कि आपसे अपेक्षाएं क्या है। तो उसने सुना, आपने भी सुना होगा, बहुत बार बोला होगा, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तकदीर है किसकी? हमारी। हमारी बोले किसकी? देश की। भविष्य किसका है? भारत का। तो जो सुप्रीमेसी है इसका मतलब ये है कि ये जो समाज है, जो मेरे सामने बैठा है, ये जो कल का भारत है, इसका भाव कैसा होना चाहिए। तो केवल दो मिनट में मैं अपनी बात पूरी करूंगा। भारती जी, भाव ऐसा होना चाहिए, आई एम द सुप्रीम, आई एम द बेस्ट, बट हाउ। तो भारत का जो कल्चर है, भारत का कल्चर सुप्रीम किसमें था? तो देने में था। भारत का सुप्रीम कल्चर लेने में नहीं था, वो देने में था। भारत विश्वगुरु था। क्यों था? सारे विश्व के बच्चे यहां पढ़ने आते थे तो लेके जाते थे। दूध की नदियां बहती थी, सोने की चिड़िया कहलाता था। तो वो लेने से नहीं था, वो देने से था। तो परंपरा को बदलने की आवश्यकता है कि देना शुरू करना पड़ेगा, और बगैर किए मिल नहीं सकता। भारतीय प्रकृति को जब देखते हैं तो सूरज निकलता है, हवा चलती है, तो पहले अपने शरीर की आवाज छोड़ते हैं, फिर नई आवाज आती है। पहले जमीन के अंदर कुछ डालते हैं, फिर बाहर निकलता है। हम पहले स्कूल आते हैं, फिर कुछ लेके जाते हैं। सैलरी एक महीने की तब मिलती है जब 3 दिन काम करते हैं, मतलब पहले देना पड़ता है। अब की व्यवस्था उल्टी है कि मेरे को मिल क्या रहा है। तो जो भारत का जो मूल है, वो भारत का मूल है देने में, भारत का मूल है समर्पण में। उस मूल को दोबारा से स्थापित करना ये विद्यालयों का कार्य होना चाहिए। एक छोटी सी एक मिनट की कहानी के साथ मैं अपनी बात पूरी करूंगा। गांव में आप सब लोगों ने कभी देखा होगा कि कुछ साधु आते हैं, कुछ भिक्षुक आते हैं, वो दान मांगने आते हैं। आज उनको अपने भिखारी का नाम दे दिया, लेकिन जब गांव की रचना में जाते थे तो कुछ साधु संत वो गेहूं, आटा, दाल, चावल ऐसा मांगने आते थे। मेरे को नहीं पता बच्चों ने ऐसा देखा कि नहीं देखा। तो एक गांव में ऐसे ही एक भिक्षुक आया, घर घर गली गली घूमते घूमते आवाज लगाता, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। एक घर से रोज एक महिला निकलती थी, कुछ ने कुछ डालती थी। तो उस साधु ने आवाज लगाई, घर से कोई नहीं आया। फिर दो बार आवाज लगाई, फिर कोई नहीं आया। साधु को लगा कुछ ने कुछ समस्या है। उसने दरवाजा खटखटाया,
दरवाजा बार बार खटखटाने से आवाज आने से वो महिला बाहर आई, बड़ी रुआसी थी। उन्होंने कहा महाराज आज तो घर में देने के लिए कुछ भी नहीं है, अब यहां इस भाव को इस सार को समझने की जरूरत है। उस महाराज ने कहा, उस भिक्षुक ने कहा, माई तुम्हारे आंगन में मिट्टी है ना, उस मिट्टी की एक मुट्ठी उठा के मेरे थैले में डाल दो। अब थैले में क्या है, आटा है, चावल है, चीनी है, तो सारे सब कैसे मांग के आए हैं। अब उसमें अगर मिट्टी डालती तो क्या होता है, उसका खराब हो जाएगी। लेकिन साधु ने कहा कि माई इस अपने आंगन की मिट्टी को उठा के मेरे थैले में डाल दो। अब माई से पुकाई, कैसा भाव है। तो साधु ने कहा आज आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, कल जब आपके पास होगा तो आपका जो देने का भाव है वो खत्म ना हो जाए, देने का भाव बना रहे, त्याग का समर्पण का भाव बना रहे। इसलिए मेरे को मेरी पोटली की कोई बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं है, समाज का है, समाज में मिल जाएगा, कोई ना कोई तो खाएगा। लेकिन समाज में देने का जो भाव है वो समाज में देने का भाव भी इस बात होना चाहिए, इसलिए आप अपनी आंगन की मिट्टी उठाकर डालें। तो मेरा केवल एक मिनट में इतना कहना है कि इस स्कूल में मेरे को क्या मिलेगा, इस समाज से मेरे को क्या मिलेगा, इस सरकार से मेरे को क्या भरी मिलेगा, तो जो फ्री फ्री फ्री, इसका त्याग बच्चों को करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि मैं मेरा स्वाभिमान बनाए रखता हूं कि नहीं बनाए रखता, मैं मेरा तो सुपरमेसी है, जो सोवरेंटी है, जो इस भारत के संविधान का कॉन्स्टिट्यूशनल मीडिया का जो पहला पार्ट है मैं उसको पूरा करता हूं कि नहीं करता। और जब उसको पूरा करता हूं तो मेरा ऐसा मानना है कि 26 जनवरी जो भारत के संविधान को अंगीकार करने का दिन है वो सुपरमेसी को महसूस करने का दिन है कि आई एम द बेस्ट, आई एम द सुप्रीम। जिसने लेना शुरू कर दिया वो सुप्रीम नहीं हो सकता, हमेशा देने वाला सुप्रीम होता है। इसलिए एवरी टाइम इफ यू आर एबल टू गिव समथिंग, तो ये भाव बना रहे। ये इस संविधान का, इस 26 जनवरी का बेसिक स्प्रिट है जो मेरे को लगता है कि हर बच्चे में, हर समाज के नागरिक में इस प्रकार के भाव को जागृत करने के लिए इस संविधान का जो समावेश है वो हमारे समाज में दिखना चाहिए। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, साथ में अवधेश जी को, भारती जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने रोटरी क्लब मंदिर पुनरुत्थान अभियान के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाया, उनका सम्मान किया, और ऐसे ही आप हमारे को मौका देते रहेंगे, आपके बीच में आते रहेंगे। इसके लिए मैं पुनः एक बार आपको धन्यवाद देते हुए एक बार फिर देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।